गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से जो वो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो हमारे घरों में मोस्टली हीटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनमें से भी आप देखते हो लाइट फॉर्म होती है, ठीक है। तो मतलब हमें साथ में क्या इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है, साथ में उसमें हीटिंग की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो जो घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किए जाते हैं, इनकैंडेसेंट, ठीक है, इनकैंडेसेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब घरों में यूज़ किए जाते हैं, अब के टाइम में इतना यूज़ नहीं किया जा रहा है इनका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम इनको देते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब ये कंज्यूम करते हैं तो उसमें से हीट की फॉर्मेशन भी करते हैं। अब हीट की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम क्या करेंगे, उसको टच करते हैं, या फिर आप मतलब काफ़ी देर से जला हुआ है बल्ब, उसको बंद कर दीजिए, तो आप देखोगे आपको क्या है, हीटिंग फॉर्मेशन होगी, वो गर्म हो गया होता है, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर पाते हो। और जला हुआ है अगर स्विच ऑन की कंडीशन में, तब भी हम उनको छू नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हीट होती है वहाँ पे। अब देखिए उस हीट का यूज़ क्या है हमारे लिए, कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीट से मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, हीट की कंजप्शन हो रही है, ये हीट इसी इलेक्ट्रिक करंट से फॉर्म हो रही है, जिसका हमारे लिए तो कोई यूज़ नहीं है, यानी कि वेस्टेज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि हमें जो है वो हीट की कोई नीड नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ लाइट चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए। तो आजकल के टाइम में, ठीक है, इलेक्ट्रिक को एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि ये वेस्टेज ना हो, तो CFL जो है, ठीक है, यानी कि आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है। देन आपके LED हैं, LED एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे LED है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, LED बल्ब यूज़ किए जा रहे हैं, CFL एंड ट्यूब फ्लोरिसेंट, ये जो आपकी लाइट ट्यूब्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है, एफिशिएंटली उसका यूज़ किया जा सके और वेस्टेज ना हो हीट की फॉर्म में, तो आजकल इनका जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है। अब ये कुछ प्रोडक्ट जो है जिनमें स्पेसिफिसिटी है, जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर क्या है, कुछ मार्क्स यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं, जैसे ISI का मार्क्स बना होता है, ठीक है, तो ये जो है ये एश्योरेंस देता है उसकी कन्फर्मिटी की, कि कितनी स्पेसिफिकेशन है उस चीज़ की, जो अच्छी चीज़ होगी, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, स्पेसिफिसिटी दी ही होती है इन्होंने, ये जो आपका ब्यूरो है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये मार्क लगा होता है, जो इस चीज़ जो कि आपकी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर ISI मार्क बना होता है, तो हमें ये मार्क जिन चीज़ों पे लगा हो, वही चीज़ें जो है बुक खरीदनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस, ठीक है, चीज़ें खरीद रहे हो। अब ये जो आपकी फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती हैं ना CFL वाली, इनमें क्या होता है, मर्करी के वेपर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपकी फ्लोरिसेंट ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनमें क्या है, मर्करी वेपर्स होते हैं। आपको पता है मर्करी जो वो कितनी हार्मफुल होती है, ठीक है, इसका काफ़ी टॉक्सिक नेचर होता है, तो टॉक्सिक हुआ काफ़ी जहरीला, ठीक है, तो काफ़ी टॉक्सिक नेचर होता है, जो हमें भी काफ़ी डैमेज जो फॉर्म कर सकती है। तो जब ये फ्लोरिसेंट ट्यूब टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या CFL जो है, तो इनको जो वो सेफली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मर्करी होता है, तो वो हमें काफ़ी हार्म पहुँचा सकता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके हीटिंग इफेक्ट से रिगार्डिंग, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब आपकी एक्टिविटी आती है, चलिए तो एक्टिविटी 14.4 की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक सर्किट बनाना है, आपकी एक्टिविटी 14.3 में जो दिया गया है, अगेन जो सर्किट वहाँ पे फॉर्म किया गया है,
ठीक है, तो वो सर्किट आपको बोला है यहाँ पे बनाने के लिए, आप क्या करोगे इसको बनाओगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना सेल जो बना हुआ है ना वहाँ पे आपका, ये देखिए 14.3 की जो एक्टिविटी है वहाँ पे जो आपका सेल बना हुआ है, सेल को आप क्या कीजिए बैटरी से रिप्लेस कर दीजिए। अब बैटरी बोला है ना यहाँ पे कि बैटरी में क्या बोला है, 4 सेल्स यूज़ करने हैं, ये 1 सेल हो गया, देन 2, 3 देन 4, ये बन गई हमारी बैटरी, कितने सेल्स की बताई हुई है हमें, 4 सेल्स की बैटरी फॉर्म हो गई हमें, ठीक है। तो अब इस सर्किट में एक तो हमारा जो सेल था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे बैटरी जो वो 4 सेल की यूज़ कर ली, और जहाँ पे हमने नाइक्रोम की वायर लगाई थी, ठीक है, वहाँ पे हमने थिन स्टैंड ऑफ जो स्टील वूल होते हैं ना बर्तन साफ़ करने के लिए भी आप देखते हो जिसमें वायर्स वाला वो यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल को वॉश करने के लिए, तो वो वाली वायर निकालनी है आपने, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, एक तरफ तो ये सेल हैं आपके, ठीक है, ये आयरन नेल्स हैं आपकी यहाँ पे, तो पहले आपने देखा था 14.3 की जो एक्टिविटी थी उसमें आपने नाइक्रोम की वायर लगाई थी। अब आपने नाइक्रोम की वायर ना लगाते, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे वो वाली वायर जो है, ठीक है, जो यूटेंसिल को मतलब उसको साफ़ करने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए जिसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टील वूल का, तो स्टील वूल जो है, ठीक है, तो उसकी वायर निकाल के आपने इन पिंस के साथ मतलब ये जो आयरन की नेल्स हैं इसके साथ लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ उसको रैप कर देना है यहाँ पे। अब आपका स्टील बूल आपको पता है कॉमनली जो क्लीनिंग यूटेंसिल के लिए आप घरों में यूज़ करते हो, ग्रॉसरी शॉप्स पे मिल जाता है ये आपको, ठीक है। अगर रूम में कोई फ़ैन आपका ऑन है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इस सर्किट में से करंट पास करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे ये सारा बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जब आपने ये लगा दिया साथ में, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे वायर के साथ जो आपने क्या कर दिया, ये तो आपकी बैटरी हो गई ना कनेक्ट, यहाँ पे आपका एक स्विच भी है जो आपको यहाँ पे ऑफ पोजीशन में दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी मतलब आपका फैंस वगैरह ऑन है उन्हें भी ऑफ कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से करंट को पास कीजिए, स्विच ऑन करेंगे तभी करंट पास करेगा यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से जब करंट को पास कर रहे हो इस सर्किट में से, ठीक है, तो आप देखिए आप उस स्टील बूल में क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या उसमें कोई आपको ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई ऐसा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है जो स्टैंड ऑफ आपने स्टील बूल जो है क्या वो मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे जो आपने स्टील वूल का लगाया वो मेल्ट एंड ब्रेक कर रहा है क्या, जब आपने यहाँ से करंट पास किया। अब करंट पास करिए तो आपको पता है ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये सर्किट क्लोज हो गया ना, कीज़ हमने क्या थी पहले ओपन थी तो करंट पास होना ही नहीं था, अब यहाँ पे जब हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे कीज़ को, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपको पता है आप करंट जो है वो पास हो जाएगा। अब करंट इसमें से पास हुआ है तो क्या ये आपने जो स्टील बूल की ये जो वायर लगाई बीच में यहाँ पे क्या ये मेल्ट और ब्रेक करेगी, तो ये वायर जो है आपकी कुछ इसमें स्पेशल मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, जो क्विकली क्या कर जाती है, जैसे ही हम ज़्यादा करंट पास करेंगे ना तो आपकी ये जो स्टील बूल की वायर आपने लगाई हुई है ये मेल्ट करनी और ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, टूट जाती है जब ज़्यादा करंट जो वो पास करवाया जाता है। तो ये वायर्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब इन सब सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे घर में क्या होते हैं, ये जो वायर्स यूज़ की जाती हैं ये किस लिए की जाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनमें फ्यूजेस जो है वो इंसर्ट किए होते हैं, मतलब आपका सारा जो सिस्टम है अंदर का, ठीक है, जो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं वायर्स के कनेक्शन है, तो बाहर जो है वहाँ पे एक मेन स्विच होता है और वहाँ पे मेन स्विच में आपका फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या है सारी बिजली जो वो ऑफ हो जाएगी, तो ये मेन सेफ्टी डिवाइस होती है अब, ठीक है, ये जो आपके फ्यूजेस हैं एक्चुअली में क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये, ठीक है, आपने क्या कर दिया, ये जो आपके फ्यूजेस है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है करंट की, मतलब जितनी लिमिट आप टेम्परेचर दे सकते हो ना उतना ये क्या कर लेते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जितनी लिमिट है करंट की, ठीक है, तो ये सेफली उसको फ्लो होने देते हैं सर्किट में से, ठीक है, इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ, लेकिन इसके भी एक लिमिट है जहाँ तक ये क्या कर सकता है उस करंट को क्या, सॉरी,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं ना, इनकी भी एक लिमिट है जहाँ तक ये क्या कर सकता है, उस करंट को जो वो झेल सकता है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर जाएगा करंट जो, वो बहुत ज़्यादा जो वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो एक सेफ लिमिट है इसकी, वहाँ तक क्या करेगा ये इसको जो है बचा के रखेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट जो वो ओवर हीटेड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा करंट जो वो पास कर देते हो, और क्या हो सकता है, उसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है, फायर भी कॉज हो सकती है। तो अगर हम प्रॉपर फ्यूजेस का यूज़ करते हैं सर्किट में, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ब्लो ऑफ कर जाती है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप सेफली, अगर सही तरीके से आपने फ्यूजेस का यूज़ किया है, ठीक है, सही फ्यूजेस यूज़ किए हुए हैं, तो ये ब्लो ऑफ कर देता है। वहाँ से क्या करेगा ना, जैसे यहाँ से करंट पास हो रहा है, अगर ज़्यादा करंट है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो ये तभी ब्रेक कर देगा, फिर आगे क्या होगा, आपका सर्किट जो है यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और आपका सर्किट जो वो आगे जाता ही नहीं है, ठीक है, करंट को आगे पास ही नहीं करेगा। तो ये मेन फ्यूजेस का काम होता है। फ्यूजेस एक्चुअली में क्या है, हमारी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं डैमेज होने से, रोकती हैं, ठीक है, डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, ये क्या करती हैं, रोकती हैं डैमेज होने से। अब डैमेज क्या होगा, आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर, हमने क्या किया है, घर में गीजर भी लगा दिया, ठीक है, हीटर भी लगाया, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा, ठीक है, तो फ्यूज़ की भी एक लिमिट है तो ये सेफ्टी डिवाइस, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है टेम्परेचर को झेलने की। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉरी करंट अप्लाई कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका फ्यूज़ की जो वायर है, ठीक है, क्या कर जाती है, अब सेफ्टी डिवाइस है तो ये ब्रेक कर जाती है, तो वो वहाँ पे फायर भी लग सकती है वो ब्रेक करके, ठीक है। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस होती है फ्यूजेस आपके, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं डैमेज होने से, कि आग ना लग जाए कहीं। तो ये क्या करेंगे आपकी, जैसे यहाँ पे फ्यूजेस अटैच होंगे, मान लो यहाँ पे ये आपके फ्यूजेस अटैच है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अब जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा पास हो गया, ठीक है, करंट बहुत ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे सर्किट को, और सर्किट का आगे जो वो करंट जाएगा ही नहीं, और उसकी वजह से आगे फायर भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये डैमेज को रोकते हैं, ठीक है, ताकि फायर वहाँ पे फॉर्म ना हो जाए। तो फ्यूजेस डिफरेंट काइंड के होते हैं, जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है, और आपने घरों में भी देखे होंगे, तो कुछ इस टाइप के फ्यूजेस जो वो यूज़ करे जाते हैं। ये देखिए, ये आपके फ्यूजेस हैं, ठीक है, तो इसमें एक वायर लगी होती है, जैसे मैंने आप स्टील बोल की तरह, ठीक है, उस तरीके से वो स्पेसिफिक मटेरियल की बनी होती है, और वो यहाँ पे वायर्स होती है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, ठीक है, ओवरलोडेड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, फ्यूजेस जो वो सेफ्टी डिवाइस होती है वो सेफ करते हैं, ठीक है, ताकि करंट जो है उसको आगे पास ही नहीं, यहाँ से क्या होगी, वायर जो वो टूट जाएगी और टूट के गिर जाएगी, ताकि उसमें आग ना लग जाए। और इस तरीके के जो फ्यूजेस हैं, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, ठीक है, यानी कि चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक की बनी हुई है, जो आप घरों में लाते हो, उनमें भी इस टाइप के फ्यूजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा फ्यूजेस जो वो कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि हीटिंग इफेक्ट जो वो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, तो हमने देखा कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो वो हीटिंग इफेक्ट जो फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने सीखा हाउ वी यूज़ इट टू आर एडवांटेज, और हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट, आप क्या इलेक्ट्रिक करंट का कुछ अदर इफेक्ट भी होता है। ये हमने हीटिंग इफेक्ट देख लिया, तो कुछ कोटेशन है, ठीक है, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने एक्टिविटी के बारे में और फ्यूजेस के बारे में देखा, तो फ्यूजेस के बारे में आपका क्वेश्चन भी है, आगे बुक में दिए रखा है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कुछ कोटेशन दी गई है। तो हमें कभी भी देखिए, जब लाइट्स वगैरह चली जाती है ना, तो कई बार क्या है, हम एकदम से मेन स्विचेस की तरफ चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको देखने के लिए, तो उनको खुद देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, डॉक्टर मतलब इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स होती हैं, मतलब वहाँ पर हम विजिट करते हैं, उनको बुला सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें शॉक भी लग सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें खुद ट्राई नहीं करना चाहिए।
अब वन रीज़न जो है एक्सेसिव करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक तो डायरेक्ट टचिंग वायर्स, ठीक है, तो मतलब क्या एक रीज़न होता है कि ये जो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा करंट जो वो पास हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डायरेक्ट जब हम डायरेक्ट उसको टच करते हैं ना वायर्स को, तो हमें एकदम से शॉक भी लग सकता है। अब आपको पता है कि जो मेन स्विचेस है वहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है करंट, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे उनको देखने चेक करने चले जाएंगे, अगर उनको छुएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमें शॉक भी लग सकता है, करंट भी सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर इंसुलेशन जो है वायर्स का, इंसुलेशन क्या होता है, ये जो आपकी वायर्स हैं आपने देखा होगा इसके बाहर जो है वो प्लास्टिक की कुछ कवरिंग होती है, ठीक है, जैसे आपकी ग्रीन है, ब्लू है, वो कवरिंग है, यानी कि इंसुलेटेड है ये, वो एकदम से बाहर कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, इसीलिए उससे डायरेक्टली करंट नहीं लगता है, हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टेयर। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि यहाँ से टूट जाती हैं, मान लो कि यहाँ से टूट गई हैं ये, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे करंट जा रहा है तो उसकी वजह से वियरिंग और टीयरिंग हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है, कई बार आपने देखा होगा रप्चर हो गई होती है, ठीक है, अंदर वाली वायर भी दिख रही होती है, तब क्या हो सकता है, तब हम अगर उनको टच करेंगे तो हमें जो है वो करंट भी लग सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये कई बार क्या हो जाती है कि आपने बहुत सारे कनेक्शन जो वो एक ही जगह पे कनेक्ट करे हुए हैं, एक ही डिवाइसेस, ठीक है, सिंगल सॉकेट से सारे कनेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं मतलब ये, तो एक सिंगल सॉकेट से ये सारे दे रखे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या है आग भी लग सकती है। तो मोस्टली टाइम आपने न्यूज़ में भी सुनी होगी ये सारी बातें कि इलेक्ट्रिक क्या हो गया है, ये जो आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वो आग लग गई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। हमें जो है हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो स्पेसिफाइड है पर्टिकुलर, मतलब जैसे मैंने बोला ना आपको, जिनके ऊपर ISI मार्क बना हुआ है, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन मिली हुई है, हमें वही चीज़ें जो है यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। चलिए, ये हमने यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में, देन फ्यूज़ के बारे में देखा, देन नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने हीटिंग इफेक्ट देख लिया, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, क्वेश्चन था आपको दिया हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो वो किस टाइप के इफेक्ट्स हो करता है, तो फर्स्ट था हमारा हीटिंग इफेक्ट, तो आपने देखा, ठीक है, किस तरीके से करंट से हीट भी फॉर्म होती है, तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे हम फ्यूजेस का यूज़ करके, ठीक है, वहाँ पे उसका और सही फ्यूज का यूज़ करके, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन वो मार्क्स है वो सारे चेक करके, तो वहाँ पे हमने हीटिंग इफेक्ट देख लिया। देन नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करता है, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी दे रखी है 14.5। तो 14.5 में क्या दिया हुआ है, आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, तो कार्डबोर्ड आपको पता है क्या होता है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड ट्रे लाइट लिया, तो उसमें क्या है डिस्कार्डेड। अब देखिए, जो आपका मैच बॉक्स होता है ना, ठीक है, तो मैच बॉक्स जो है आपका, अब मैच बॉक्स के अंदर जो एक डिब्बी बनी होती है, ठीक है, जिसमें आपकी वो सारी स्टिक्स हैं, ठीक है, ये जो अंदर वाली जो मैच बॉक्स के अंदर वाली डिब्बी होती है ना, जिसमें ये सारी रखी होती हैं आपने स्टिक्स, तो ये वाला पोर्शन निकालना है आपने बीच में से, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस पोर्शन को निकालोगे, ठीक है, ये आपने यहाँ से ये मिडल वाला पोर्शन जिसमें स्टिक्स रखी थी वो वाला मैच बॉक्स का पोर्शन निकाल दिया। अब आप इसको इलेक्ट्रिक वायर के साथ जो है वो रैप कर दीजिए, ठीक है, आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक वायर के साथ जो है वो रैप कर दिया, और बीच में जो आपकी मैग्नेटिक जो नीडल है, ठीक है, उसको इंसर्ट कर दिया, जो कंपास नीडल है। अब इसका कंपास नीडल का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर रख रहे हो, कार्डबोर्ड ट्रे लाइट लिया हुआ है जहाँ पे इसका सेटअप किया है आपने, ठीक है, और मैच बॉक्स का जो अंदर वाला पोर्शन होता है जिसमें स्टिक्स रखी होती है वो वाला वाइट वाला पोर्शन निकाला है, और उसको क्या करना है आपने यहाँ पे रैप कर देना है वायर के साथ, ठीक है, कार्डबोर्ड के अराउंड जो वो ट्रे है वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, साथ में आपने एक कंपास नीडल को भी प्लेस कर देना है फ्री एंड, ठीक है, और इसके जो फ्री एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके वो वायर के साथ जो इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट कर देना। अब इसके देखिए, ये जो आपको फ्री एंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो वायर के, अब आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ जो है, ठीक है, एक सेल बना दिया ना मैंने, यहाँ पे कर दिया
साथ में यहाँ पे क्या है आपका स्विच है जो ऑफ पोजीशन में है, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है एक बल्ब जो है वो प्लेस कर दिया है, ठीक है, तभी तो आप देखोगे लाइटनिंग का। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और वायर से कनेक्ट करने के बाद जो है आपने इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे बल्ब के साथ। तो चलिए ये दिया गया है आपको एक्टिविटी में। अब आप क्या कर रहे होगे यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया ये सारी जो डायरेक्शन है, ठीक है, आप क्या करोगे कंपास नीडल की डायरेक्शन जो है वहाँ पे देखोगे, ठीक है, उसमें एक पॉइंटिंग किया हुआ है, बीच में एक नीडल बननी होती है, इस तरीके की होती है आपके कंपास की नीडल, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके की बनी होती है। तो ये हमेशा जो नीडल वो डिफ्लेक्शन शो करती है नॉर्थ साउथ पोजीशन में। ये आपको हमेशा कैसे दिखेगी अगर वैसे रखी हुई है फॉर्म में, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है यहाँ पे शो करती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो आपकी कंपास नीडल है वो किस डायरेक्शन में होती है, ये तो ये आपकी किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है हमेशा। अब आप क्या कीजिए, ये जो नीडल है इसके पास जो एक बार मैग्नेट को लेके जाइए, ठीक है, इस तरीके का एक बार मैग्नेट बना होता है, मैग्नेट के साथ आप खेलते भी हो, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके का बार मैग्नेट। अगर आप इसको इसके पास लेके जाओगे ना नीडल को, तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि इसकी ये जो नीडल है वो डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो नीडल है वो किसकी है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, ठीक है, यानी कि मैग्नेट की बनी हुई है, तभी तो ये लाने के लिए, ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे ला रहे हैं, तभी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर दी है, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करी है। सेकंड थिंग, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम करंट पास कर देंगे, ठीक है, आपने सेल बना रखा है यहाँ पे, जब करंट पास किया जाएगा हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया सर्किट को, ठीक है, अब करंट पास हो जाएगा, तो जब करंट पास होगा आपका तो क्या होगा यहाँ पे आप देखोगे ये नीडल के पास देखोगे, ठीक है, जब आपने ऑन कर दिया यानी कि आपने स्विच ऑन की पोजीशन करी, तब ये नीडल जो है तब भी डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि आपका करंट जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो आपकी कंपास नीडल है, ठीक है, जब आप मैग्नेट को बार मैग्नेट को पास में लेके जाते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या होता है, वहाँ पे बहुत डिफ्लेक्शन शो करती है, लेकिन जब आप कंपास आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है, ऑन पोजीशन में किया हुआ है स्विच ऑन की कंडीशन में, तब क्या ऑब्जर्व करोगे, तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है करंट जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को, इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम के लिए अगर रिपीट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स क्या इंडिकेट करता है, आप देख सकते हो इस तरीके से डिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो नीडल जो कंपास नीडल है एक, ठीक है, टाइनी मैग्नेट की तरह वर्क करती है, तो उसका पॉइंट मैंने बताया ऑलवेज आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जब आप इसको मैग्नेट को लाते हो तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है, और जब आप करंट पास करवाते हो तब की आपकी नीडल जो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है, ये तभी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी जब इसमें से करंट पास कर रहा है, लेकिन जब करंट पास नहीं कर रहा है, आपने स्विच ऑफ की कंडीशन कर दी, तो ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर जो वो फॉर्म नहीं करती है। अब देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया था ना यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल के बारे में, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो वो डिफ्लेक्शन देखी थी, ठीक है, कंपास नीडल में, उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है। तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे डिफ्लेक्शन के बारे में, और उन्होंने इस चीज़ को बार बार किया, ठीक है, एवरी टाइम, तो उन्होंने देखा जब भी करंट पास हो रहा है तो वो वहाँ पे क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में से पास हो जाता है, ठीक है, ये वायर है ना आपकी, तो जब वायर में से यहाँ से पास होके जा रहा है तो ये कैसा बिहेव कर रही है, ये जो है आपकी वायर जो वो मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो वो शो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है ना, तो मैग्नेट बनाने के ये भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अगर आप स्विच ऑन की कंडीशन में रखते हैं, अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दी गई है, ठीक है, रिमेंबर नोट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम, द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो जब करंट पास किया जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हम उसको मैग्नेट में वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, वो मैग्नेट वहाँ पे मैग्नेट जो वो फॉर्म कर सकते हैं उस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है, अगर उसको कंटिन्यूसली करंट देते रहेंगे तो वो वीक हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना सफिशेंट है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।